शुरू किया जाए काम, लगे लग गया समझो। ये रहे समझो एसी का वो खोला है यूनिट। अच्छा इससे अगला स्टेप, बंद कर दीजिए। सर हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? एलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एलजेब्रा, इसको पहले खत्म करना चाह रहे हैं ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और फिर हमें जरा परेशानी कम हो। बिल्कुल भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, सर उठाएंगे आप लोग, सर उठाएंगे और काम किया जाए उसके मुताबिक। भाईजान सेटल हो जाए, सर सर मिल जिस फौज के पास हथियार रहा हूं तो उसने क्या करना है सर? बड़ी गया मेहरबानी। जी बच्चों, डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके सामने। ये सब के सब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होने वाले क्वेश्चन हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? एक्स इक्वल्स टू -3 अंडर रूट ऑफ, इस फॉर्मूले से इन क्वेश्चन में होना क्या नजर आ रहा है? जो ऊपर वाला क्वेश्चन है क्या फॉर्मूला? तो पहले तो और बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, गलती होगी ना आपसे। क्या आपने मुझे रियल साथ में चलाया? हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? ए की, बी की और सी की। ए की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो एक होता है, 1 भी हो सकता है। आई खे आई खे सारे दोस्त सलाम करके, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ। एलजेब्रा आपने एलजेब्रा मैनिपुलेशन का टॉपिकल से निकालना है चैप्टर, और जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो करना है, जो प्रॉब्लम है वो करना है, जिसमें आपने पहले ही क्वेश्चन शो कर ली और फिर ये बनाते हो काम करने, वो हमारा अगला काम है। तो ये आगे पहुंचते हैं भाई, अगर हमें ग्लोबल इक्वेशन मिलेगी तो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना ये फॉर्मूला। ये इक्वेशन मिलेगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और आप सब लोग कल तक तो माहिर हो गए थे, इस चीज के एक्सपर्ट थे कि अगर आपको ये इक्वेशन दी जाए तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हो और वैल्यूज निकाल सकते थे। ठीक है, अब इसके मुताबिक क्या ख्याल है? किसको मैंने ये बनाना है, तो कैसे बनाना है?
ये चार लोग चार एक क्वेश्चन है, चारों की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इनमें क्या आइडिया चल रहा है, मरकजी ख्याल क्या है, बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन क्या है, और अरेंजमेंट सिंप्लीफिकेशन एंड अरेंजमेंट. अच्छा, सिंप्लीफिकेशन और अरेंजमेंट करने के लिए क्या काम क्या करेंगे, एलसीएम क्या बात है तुम्हारी, तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में जहां पर एलसीएम सुनिए, एलसीएम कुछ ही बेसिक है एलजेब्रा के, ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी. तो अली भट्ट साहब ऑनलाइन ए डी बी सी, ये क्या हुआ काम, जब सिंगल फ्रैक्शन बनेगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड है, क्या ये सिंगल फ्रैक्शन है, नो. क्या ये सिंगल फ्रैक्शन है, नो. इन चारों में से कोई भी सिंगल फ्रैक्शन नहीं. सिंगल फ्रैक्शन क्या हो, इस क्वेश्चन को देखिए जरा गौर. अब जिसके नीचे कोई नहीं होगा आपने उसके नीचे वन लिखना है, वन और फाइव का एलसीएम फाइव होता है, इसके साथ फाइव मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ फाइव और इसके साथ क्या ये वन है, वन मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, किसकी आवाज निकली है टू टू फोर, फोर के साथ वन, इधर क्या है वन ओवर लॉजिक, वो देखो जरा जो भी मैंने सिखाई, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, हो रहा है, ये कहां पे चला जाएगा इलेवन बाहर आ जाएगा, इलेवन इक्वल्स टू वन के साथ कौन जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव, बिल्कुल ठीक है. इसकी ब्रैकेट ओपन करनी आती है, फाइव स्क्वायर माइनस फोर्टी फोर एक्स, ये इक्वल टू फाइव, तो फाइव इधर मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाता हूं इक्वल टू जीरो. अब ये इक्वेशन और वो इक्वेशन सही है, यस यस. तो यहाँ पे ए क्या है, ए फिफ्टी फाइव, बी और सी इक्वल टू, ये कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर वन. आपने ये स्टेप ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इसके नीचे वन लिखना है, इसको नोट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, जल्दी बोलो. हमारे स्कूल वाले नहीं ना करते, वरना आईजीसीएसई में नेक्स्ट ईयर तुम लोग आ रहे हो मेरे पास, लेकिन क्यों मिल जा रहे हो तुम, मुझे तो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं पता चलती,
सिर्फ एक एडमिशन है जो कि कॉलेज है ए लेवल का, बाकी तो सब ऐसे ही मैं अरेंज कर रहा हूँ। जी आप ठीक है तो फिर क्या हुआ था भाई, तो चला गया जहाँ से माइनस फाइव हो जाएगा अगले स्टेप पे है। क्वेश्चन नंबर 1-5 हो बस जी, आपने यहां तक करना है ए बी और सी, आगे आप फिर होमवर्क में जाएंगे और क्लास वर्क में करेंगे। मैं अब ये क्वेश्चन की तरफ कर रहा हूं, वहां तक तो प्रैक्टिस हुई नहीं ना अभी तक, हम आप इस स्टेज को पकड़ लें, अब इसका क्या करना है। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, एलसीएम क्या आ रहा है इसका, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू पहले इन पर लिखेंगे इक्वल टू थ्री, अब फिर एट के साथ अब ब्रैकेट ओपन LCM eliminates minus 9 over x square minus 3 equals to ये आप जाएगा, अब ये जाएगा उधर और ये जाएगा पता नहीं नाम समझे ना मैं कहना पा रहा हूँ नॉर्म में पानी लगा रहा है बाहर के जांच लगाओ थ्रोल थ्रोल करने लग गए। अब क्या करूं, या दोनों को उधर लेके जाऊं हाशिम, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स इलेवन इधर आके क्या हो गया माइनस प्लस एक्स नाइनटीन इधर आके क्या हो गया इक्वल टू जीरो, ऐड कर लो नाइन और इलेवन माइनस क्यों सिक्स और नाइनटीन 25 होता है। अच्छा अब एट किस के इक्वल है और सी, अब ये फॉर्मूले में खुद होकर सॉल्व होएगा, करना है करना ये होमवर्क है, जहां तक क्वेश्चन लिखते तो अपने पास संभाल लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टेस्ट है किस्म का, देखो
जो हमारा टिकिया है ना वो भाई वो मेरा हाथ पर वो सितारा है तो मैं तो उसकी प्रीजन करूंगा देखिए एडवायर हम दांत में जिस दिन वो दांत में आए दांत में पढ़ाई का मजा नहीं उस दिन हम स्लो पढ़ाते हैं क्लास को कहीं हमारा पढ़ने का क्लास को फायदा ये जो क्वेश्चन है ना जी क्वेश्चन नंबर थ्री इसका आप आंसर निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू दो आंसर निकाल के मुझे देंगे फिर मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर पहले आप क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा करके देंगे मैंने अब आपको प्रैक्टिस अच्छी करा दी है आप पहले एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अली भट्ट साहब सर ये क्वेश्चन करना जी सर ये क्वेश्चन करना है जी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाइए और इसकी वैल्यूज निकालिए इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके एबीसी तक छोड़ना नहीं आंसर निकाल के मुझे देंगे बहुत वेरी गुड डरना नहीं पड़ता हो गया ना अरे आपको चेक कर दो अभी तो नहीं किसी नंबर सॉलिड हो गए आपने रिपेयर हो गया बारह दो होंगे ब्रैकेट बंद कर ये लंबी कर लानी इसके साथ ये मल्टीप्लाई करा हैं बारह हो गए पूरे नीचे नीचे से ऊपर ऊपर सिंप्लीफिकेशन होगी नीचे से नीचे सिंप्लीफिकेशन होगी सबको देखा नाम लिखे बच्चे
बाकी लोग देखें इनको माइनस हाँ कोई मतलब नहीं माइनस ही आएगा हाँ जी ठीक हो गया जी अब मैं आऊँ या ना आऊँ लेकिन मैं आऊँगा जरूर दूसरी साइड में तो पूरा क्यों 13 एक्सट्रीम है क्यों है भाई ठीक है वो के बच्चे ये मुझे स्टेप नहीं दिया इधर दे देखो मार दिया पूरा सवाल का आ गया आंसर आ गया सवाल ले लिया मैं इधर हो जाता और फ्री होता मैं देखता कुछ सीख रहा है क्वेश्चन नहीं बन रही है क्वेश्चन ही अनुराग किए जा रहे हैं तो आप अरे इसका ले कर पहले एक्सप्रेस हो रहा है मैंने मगर फिर लोग कहते हैं कि वो एक ये पर होता है इतनी कोई अच्छी नहीं है मतलब मार रहा है देखो मैं आप भी लाल रहते हैं कि ये चीज़ आप करते हैं मैं उसी के लिए
पहले इसको ही दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस वन को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस माइनस करो ना, एलसीएम लो इसका हुआ एक्स एलसीएम हो, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये फोर ये नाइन के साथ जाकर बैठा होगा और ये ठीक होनी चाहिए, हंसने की बात नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बिजली भी चेक क्या होनी चाहिए। हमारा भी हो गया मंदिर सर जैसा हो गया नहीं जी सर हाँ जी आप निकाले एक क्वेश्चन, सारी पुरानी रिवीजन हो जाएगी और सारा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, हाँ भाई ऊपर नकवी साहब, हाँ जी ये क्वेश्चन क्या है, इसको क्या लिखूंगी, अच्छा इसको यू लिखना है, नहीं करते
इसको यू लिख के स्क्वायर लिखना है, और इसका क्या करोगे, यू लिख के स्क्वायर करना है, यू करना है। अब क्या होगा, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक हो गया, समझ में आ गई क्या बात? हाँ, कल चक्कर नहीं खाना है क्वेश्चन से। अगर वो ये कहता है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, तेज को फैक्टराइज कर दो तो मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, फैक्टराइज कर दो, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है तो मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे थी, फॉर्मर मल्टीप्लाई थ्री टू था सिक्स के फैक्टर टू और थ्री दरमियान में फाइव, कॉमन ये यू लिखा जा सकता है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा माइनस सिक्स। अच्छा अब इसको क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस, ठीक है ये गलत है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या लिखो प्लस, क्या कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से, मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई। अच्छा आप कहते हैं सिंगल फ्रैक्शन बनाओ थ्री ओवर फोर एक्स प्लस, ये कर सकते हो प्लस टू ओवर थ्री वाई, क्या इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, क्या लिखो नीचे एक्स वाई, एलसीएम क्या आएगा, वो पहले लिख दो यार, यू लिख लेने में को भर के सिंगल फ्रैक्शन में लिखे नेट हो गया, क्या था बताइए इसको याद करो, बात
आज तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। अच्छा फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं या डेसिमल बनाओ उनका मेन नहीं हम तो पूरा हम से ये नहीं जैसे बाबू कौन कौन से पॉइंट चाहिए जो इसमें पड़ा दो लगे बाहर क्या हुआ तो ना नहीं आया कि नहीं तो नहीं कर सकता तो बहुत